देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्याम। सोना गैस हम निकले श्रीमती राधा रानी जी को ढूंढने के लिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्याम, करुणामयी कृपा कीजिए। सो गाइस हम जा रहे हैं, लेट्स गो। सो ना गाइस हम निकले हैं श्रीमती राधा रानी जी को ढूंढने के लिए। एक दुकान में तो हम गए थे लेकिन नहीं, वो नहीं हमें भाई। फिर हम दूसरी दुकान में अब जा रहे हैं, ये हाथ में लीला धरे है और देखते हैं हमें कहाँ मिलेंगी राधा रानी जी। चलो। फिर ऑन द वे हम हमारे फेवरेट मंदिर में आए और दर्शन करे हनुमान जी के, कृष्ण जी के, महादेव जी के, सबके। तो चलो अब अपनी कोशिश जारी करते हैं। तो गाइस फिर हम आए हमारे थर्ड या फोर्थ शॉप थी ये। तो इस शॉप में भी हमने राधा रानी देखी, बहुत सुंदर सुंदर भी थी, पर हमारी राधा रानी नहीं थी इनमें से कोई। कोना ही दुकान मिली लेकिन ये बंद है, मतलब अंकल ना 7 बजे आएंगे, अभी तो 3 बज रहे हैं और ये दुकान बंद है यार। बहुत सुंदर बे कान्हा जी दिखाती हूँ। तो गाइस ये दुकान ना आखिरी दुकान थी और हम ना इस दुकान में बहुत उम्मीदों से आए थे, पर क्या करे ये दुकान ही बंद थी यार। मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। सो गाइस हम ना घर आ गए हैं अभी, एंड अभी तो नहीं लिए मेरा घर आने लिए। गाइस हम ना बैंक के काम से बाहर आए थे, सो अभी करके फिर हम जाएंगे बाजार राधा रानी जी को ढूंढने। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली श्री जी ने हम पर कृपा बरसा ही दी और जो दुकान बंद थी ना उसे झट से खुलवा दिया और फिर हम भी फटाफट दुकान में आए और हमने श्री जी को देखा। ओ माय गॉड, श्री जी इतनी सुंदर थी ना, और बाकी सारे विग्रह इतने सुंदर थे कि हम देखते ही रह गए। हम आए तो श्री जी को लेने ही थे, पर अब ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई और जाने वाला है। फिर गाइस अचानक से मन में शंका होने लगी, लगा कि श्री जी घर आने वाली है या कोई और। अब तो ये कान्हा ही जानते हैं। राधा रानी को ढूंढते ढूंढते तो गाइस हम थक ही गए थे। फिर हमने फ्रेश शुगर केन जूस पिया जिससे हम हाइड्रेट हो सके। तो हमने लिए बूंदी के लड्डू। लेट्स गो। बस अंकल हमने ले लिए लड्डू, नाउ लेट्स गो मौसी के यहाँ। चलो अब चलते हैं मौसी के यहाँ। सो गाइस मेरी आज छुट्टी थी ना, तो इसलिए हम गए थे मौसी और दीदी से मिलने, क्योंकि यार मुझे ना दीदी के साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा ही मज़ा आता है। एंड हमने ना शिनचैन देखा, सबका फेवरेट, और बहुत सारे शोज देखे जिसको देखकर हम इतने हंसे, हमें इतना मज़ा आया ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर हमने स्नैक्स खाए, स्नैक्स में हमने पोलम खाए, फ्रूट्स एंड नमकीन एंड चाय, हर्बल चाय। फिर उसके बाद ना दीदी गोपी ड्रेस ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद दीदी को अच्छी लगी तो फिर हमने बहुत सारे फोटो सेशंस करे। सो गाइस हम ना भी जा रहे हैं मौसी के लिए दवाई लेने के लिए, मौसी के ज़्यादा बढ़ गया है दर्द। सो अभी जा रहे हैं, मौसी के हेडेक हो रहा है ना, सो इसलिए दीदी और मैं जल्दी जल्दी जा रहे हैं अभी दवाई लेने के। ये देखो दीदी काम भी करती है, दिखा दिए, मतलब ये तो ग्राम में डले ही डलेगा ही डलेगा ये तो। दीदी चेहरा दिखा दो अपना।
गाइस हमें ना बिल्कुल मन नहीं था मौसी घर से छोड़ने का, पर मौसी बार बार इंसिस्ट कर दी थी कि आप लोग चले जाओ मैं ठीक हो जाऊंगी, तो फिर हमें जाना ही पड़ा इनमें। तो गाइस घर आकर मैंने चेंज करा, डिनर वगैरह करा एंड मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं बाहर थी एंड मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई। वैसे भी मैं एक नाइट आउल हूँ तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ। तो गाइस आज तो हमारे यहाँ नहीं आई राधा रानी, कल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं पता नहीं, तो इसके लिए आप अगला व्लॉग जरूर देखना चाहेगा कल। सो स्टे ट्यून।